कितना अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर, नीचे ग्रीन, बीच में वाइट और ऊपर पिंक कलर। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मल्टी कलर चाइना ग्रास। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध है, मैंने दूध के पाउडर का 1 लीटर दूध बनाई हूँ। आप चाहिए तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने ये फुल फैट पाउडर ली हूँ दूध का। इसके अंदर मैं ये जो अपना चाइना ग्रास है अगर अगर वो डालूँगी और इसको 15 से 20 मिनट भीगने दूँगी। इसको भीगने देंगे अच्छी तरह से। मैंने अपने दूध के बर्तन को गैस पे रख दी हूँ। इसको ये जो अगर अगर है, चाइना ग्रास है, इसको पिघलने तक हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये पूरा डिसॉल्व हो जाना चाहिए दूध के अंदर। अच्छे से इसको हम पका लेंगे। ये देखिए, चाइना ग्रास पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है दूध के अंदर। मैं इसके अंदर 1/2 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप शक्कर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर को अच्छे से घोल लेंगे हम। शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। मैं इसके 3 पार्ट्स करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। मैं ये मेजरिंग कप से 1-1 कप सब मैं डालूँगी। इसमें मुझे रूह अफ़ज़ा डालना है, इसके लिए मैंने शक्कर कम डाली थी। मुझे शक्कर कम लग रही है तो मैं शक्कर और ऐड करूँगी। अगर आपको शक्कर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पून में रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आप चाहिए रूह अफ़ज़ा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसके अलावा कोई और फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको साइड में रख दूँगी। फिर से मैं 1 कप लूँगी। इसके अंदर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी। इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो व्हाइट वाला है, इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून इलायची की पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपको इलायची की पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। व्हाइट वाले में थोड़ा ज़ाफ़रान ऐड करूँगी। ग्रीन कलर डालेंगे। इसको थोड़ा सेट होने देंगे। देखिए, अच्छे से सेट हो चुका है। ये जो व्हाइट वाला है वो डालेंगे अभी हम, आराम से डालेंगे। इसको भी सेट होने देंगे अच्छी तरह से। व्हाइट वाला भी अच्छे से सेट हो चुका है। ये जो पिंक वाला है वो हम इसमें डालेंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, पिस्ता और काजू, वो भी स्प्रिंकल कर लेंगे हम। इसको भी अच्छे से सेट होने देंगे। सेट हो चुका है हमारा चाइना ग्रास। मैं अब इसके पीस कर लूँगी। 3 लेयर का चाइना ग्रास कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।